तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग Redmi 12C का यहाँ पे जो DM वेराइटी का करप्शन आ रहा है इसको फिक्स करने वाले हैं बहुत ही आसानी से। साथ ही साथ अगर आपके पास ये सेम फ़ोन है अगर उसमें सिस्टम डिस्ट्रॉय का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई Redmi 12C है वो ऑटो रिकवरी मोड में जा रहा है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। या कोई भी Redmi 12C फ़ोन हो जिसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो या हैंग ऑन लोगो हो या फ़ोन ऑटो फास्ट बूट में जा रहा है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। ये मेथड Redmi 12C के सारे प्रॉब्लम में काम करेगा। इस मेथड के जरिए आप Redmi 12C का कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे DM वेराइटी करप्शन को फिक्स करने वाले हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को इस मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले तो मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। तो भाई सबसे पहले ये देख लीजिए कि मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मेरे से बोला है कि भाई मेरे पास Redmi 12 है जिसमें DM वेराइटी या करप्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने बोला है कि भाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने फ़ोन का पिक दिया, साथ ही साथ यहाँ पे एक वीडियो सेंड किया है कि फ़ोन को ऑन करने के बाद यहाँ पे DM वेराइटी या करप्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप टीम वेयर सेंड कीजिए। तो इन्होंने टीम वेयर सेंड किया है। बेसिकली गाइज ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। गाइज कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कोई फ़ोन आते हैं Redmi 12C या कोई भी फ़ोन आता है तो हम लोग उसको UMT या किसी फ्री टूल से उसको फॉर्मेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, कभी कभी फ़ोन ऑटो रिकवरी में जाने लगता है, कभी कभी फ़ोन में सिस्टम डिस्ट्रॉय की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी फ़ोन फास्ट बूट मोड में भी जाने लगता है। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इनके PC पे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। और गाइस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि अगर एक भी सेकंड मिस कर देंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और बोलेंगे कि भाई मेथड वर्क नहीं कर रहा है। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना होगा अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं गाइज मैं इनके PC पे आ चुका हूँ। और गाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला इसका फ्लैश फाइल, दूसरा इसका फ्लैश टूल, तीसरा एक अर्थ बाईपास टूल। तो मैं तीनों चीज़ें इनके PC में फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूं और तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वन क्लिक में डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन मेथड को पूरा देख लीजिए क्योंकि केवल फाइल डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मेथड देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं गाइस मैंने इनके PC में तीनों चीज़ें डाउनलोड कर लिया है, फ्लैश फाइल, फ्लैश टूल और अर्थ बाईपास टूल। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से फ्लैश टूल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे स्केटर फाइल को सिलेक्ट कर लेनी है जो कि मैं फ्लैश फाइल दिया हूँ। उसके बाद गाइज एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा आपको यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो चेक LIBDMH है इसको अनटिक कर देना है, इसको अनटिक करना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कट करना है और यहाँ से अर्थ फाइल सेलेक्ट कर लेना है। मैं फाइल के अंदर ही इसका DA फाइल और अर्थ फाइल दे दिया रहूँगा तो वहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से इसका अर्थ फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अर्थ फाइल सेलेक्ट करने होगा गाइज यहाँ से आप लोग को यहाँ पे DA फाइल सेलेक्ट कर लेना है। DA फाइल में मैं दो DA फाइल दिया हूँ क्योंकि कभी कभी किसी PC में एक DA काम नहीं करता और एक DA काम करता है। इसमें MTK का 6768 CPU लगा है तो मैं उसका भी DA दिया हूँ, एक ऑल इन वन DA दिया हूँ, दो DA दिया हूँ। तो मेक श्योर दोनों DA का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे MTK 6768 वाला DA सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने वाला गाइज आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड ओनली लिखा है तो इसको टिक करके सिंपल सा फर्मवेयर अपग्रेड के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो का मेन पॉइंट है। अगर यहाँ पे फर्मवेयर अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने फर्मवेयर अपग्रेड के ऊपर सेलेक्ट कर दिया। अब सिंपल सा मैं यहाँ पे एक अर्थ बाईपास टूल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिसेबल अर्थ के ऊपर क्लिक करके मैं इनको बोल देता हूँ फ़ोन को ऑफ करके वॉल्यूम प्लस में प्रेस करके डाटा केबल लगा दीजिए। जैसे ही इन्होंने यहाँ पे केबल कनेक्ट किया है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका अर्थ डिसेबल हुआ। डिसेबल होने हुआ गाइज आपको यहाँ पे सिंपल सा डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपके फ़ोन का पार्टीशन फॉर्मेट होगा और फिर मेरा अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मेरी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई और फ्लैशिंग हो रही है। हो सकता है कि आपका फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कोई एरर आए। तो देख सकते हैं इनके PC में भी यहाँ पे एक एरर आ गया, फ्लैशिंग रुक गई। तो अब आपको क्या करना है, मैंने DA में दो फाइल दिया तो सिंपल से यहाँ पे आपको ऑप्शन में आना है और चेक LIBDMH नॉट मैच को अनटिक कर देना है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन को भी अनटिक कर देना है, इन दोनों को ही अनटिक कर देना है इस बार। और यहाँ से आपको फिर से DA फाइल को सिलेक्ट करना है, जो मैंने पहला DA दिया है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा।
और सिंपल सा यहाँ पे अर्थ बाईपास टूल में डिसेबल अर्थ करके फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इनको बोल देता हूँ फ़ोन को प्लस में प्रेस करके कनेक्ट करो, और देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया। अब सिंपल सा मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे फिर भी फिर अपग्रेड ही सिलेक्ट रहेगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से फिर से इसकी पार्टीशन फॉर्मेट हुई और फिर मेरा फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया, अब कोई एरर नहीं आएगा। अगर कोई एरर आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन अब कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग चल रही है, फ्लैशिंग हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ थोड़ी सी। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो फ्लैशिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इनको बोल दिया भाई आपका काम डन हो गया, एक बार फ़ोन को ऑन करके मुझे पिक दे दीजिए ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और देख सकते हैं गाइस इन्होंने फ़ोन को पूरी तरीके से ऑन करके यहाँ पे पिक दे दिया है, बोल रहे हैं कि भाई मेरा फ़ोन ऑन हो गया। तो भाई ये एक मेथड था, इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आ रहा था, मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर कर ही देता हूँ। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही रहता है, फिर मिलता है आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।